हम हेल्थ के स्टूडेंट आपके सामने स्टिमुलेशन का डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। स्टिमुलेशन में हम जो दवाई है उसको हम इनहेल करके पेशेंट की बॉडी में ले जाएंगे। और इस रोल प्ले में मेरे साथ मैं रोल कर रही हूँ डॉक्टर का। मेरा नाम है रीता, ये है जीदी, इनका नाम है शिवानी, ये है असिस्टेंट, इनका नाम है दिव्या, एंड ये है अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ आए हैं, इनका नाम है काजल, और ये है पेशेंट, इनका नाम है रीना। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करने जा रहे हैं स्टीम इनहेलेशन में, उसका नाम है नेबुलाइजर। ये है नेबुलाइजर, ये मास्क है, ये इसकी कैप है, और ये मेडिसिन कप है, और ये इसकी ट्यूबिंग है। यहाँ ये ऑन करके जो इसमें दवाई डाली होगी ये उसको भाप बना देगा, और वो जो भाप है वो पेशेंट अपने बॉडी में इनहेल करेगा, जिससे पेशेंट को जो भी जो चेस्ट कंजप्शन है वो उसकी रिकवर हो जाएगी। सो लेट्स बी स्टार्टेड। आराम से अम्मा जी, बस पहुंच गई, आराम से। डॉक्टर देखिए क्या हो गया, शाला का खोल दा। माता जी रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं हो आपको। माता जी आराम से, बस माता जी आराम से। माता जी क्या हुआ इन्हें, इनकी सांस फूल रही है और खांसी हो रही है इन्हें लगातार। माता जी रुकिए, माता जी माता जी लंबी लंबी सांसें लीजिए, और कितनी लंबी, बस बस माता जी। कब से हो रहे हैं ये? 2-3 हफ्ते हो गए हैं। आप इन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे पहले? डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन जो मेडिसिन इन्हें दी वो उन्होंने ली इसके बाद भी। विदेशी का मैंने झूठ हुआ था, एक बार झूठ से होगा कौड़ा। माता जी ये विदेशी हुक्का नहीं है, ये दवाई ना लड़ पीड़ी और सिगरेट, ये नहीं मैं झूठ। ये क्या कह रहे, ये कह रहे हैं उन्होंने इसका यूज़ नहीं किया और बीड़ी और सिगरेट वही भी। ये क्या गया माता जी, आपको दवाई दी थी, ये विदेशी हुक्का नहीं है, आपने अपने से गलत बोल दिया। क्या क्या दवाई? नहीं माता जी दवाई है, आपने क्यों नहीं ली है, इसी वजह से आपकी हालत है। आपने बीड़ी और सिगरेट पी तो इसी वजह से आपकी ये जो पेन है ज़्यादा बढ़ रही है। हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं और एडमिशन दी जा रही है, आप इन्हें ले जाइए और आप एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। पेशेंट का नाम सुम्मी देवी और उनके हस्बैंड का नाम राम सिंह, एंड इनकी एज 75 साल। अब आप अपने साइन कीजिए। अब हम पेशेंट को यहाँ पर स्टीम इनहेलेशन करेंगे और आप इसे देर बाहर जाइए, हम इनको फेंक दीजिए। अब हम इस का यूज करेंगे और इसमें हम मेडिसिन कप में मेडिसिन डालेंगे। ये एम्प्यूल है, हम इसको डालेंगे इसमें। और हाफ इसमें नॉर्मल साइड डालेंगे। अब हम आपको ये सांस ले जाइए आप इससे, और आप मुझसे सांस लीजिए, सांस छोड़िए आप।
ये प्रोसेस अब हम 5 से 10 मिनट तक इन्हें देंगे और अब आप ठीक है माता जी, अब आप लेट, अब आप लेट रेस्ट कीजिए तो हम आपको मत तो ये स्लीप इनहेलेशन पे डेमोंस्ट्रेशन। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हमने पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन के द्वारा इनकी जो चेस्ट कंजप्शन थी उसको ठीक किया, कंजेशन ठीक किया। ये तो हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट था। अगर यही कंडीशन आपकी घर में हो जाती है तो आप इस कंडीशन से बचने के लिए सिंपल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल वाटर को उबाल कर उसके पेपर को इनहेल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो चेस्ट में जो भी पेन है, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है आपकी, वो ठीक हो जाएगी। तो ये पूरा डेमोंस्ट्रेशन था। थैंक यू।